हेलो एवरीवन, आज हम स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट संस्कृत और उसमें लेसन नंबर है 2 आकाशः पतति यानी द स्काई इज फॉलिंग इसके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चंस चूज द ऑप्शन दैट इज इट्स करेक्ट आंसर एंड राइट द लेटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द स्क्वायर प्रोविडेड। यानी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, चार ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन है वह सही है, वह आपको यहाँ पर लिखना है। जिसमें पहला है वेयर डज द रेबिट लिव, तो इसका आंसर आएगा बी इन ए फॉरेस्ट, यानी खरगोश कहाँ रहता है, तो हमें लिखना है कि खरगोश जंगल में रहता है। दूसरा व्हाट स्केयर्ड द रेबिट, तो इसका आंसर आएगा सी द फॉलिंग ऑफ ए लिव, यानी खरगोश किससे डरता है, तो खरगोश है वह एक पत्ते के गिर जाने से डरता है, तो हमें यहाँ सी लिखना है। तीसरा व्हाई डज द रेबिट रन, या खरगोश है वह किस लिए दौड़ता है, तो हमें इसका आंसर लिखना है डी बिकॉज ही इज स्केयर्ड व्हेन ए लीव फॉल्स, क्योंकि वह एक पत्ते के गिर जाने से डरकर दौड़ता है। चौथा व्हाट डज द रैबिट से टू द फॉक्स, यानी खरगोश लोमड़ी से क्या कहता है, तो हमें आंसर लिखना है रन बिकॉज द स्काई इज फॉलिंग, कहता है कि दौड़ो आकाश गिर रहा है, तो हमें यहाँ पर ए लिखना है। फिफ्थ व्हाट डज द रैबिट से टू द मंकी, यानी खरगोश बंदर से क्या कहता है, खरगोश बंदर से कहता है कि सी रन बिकॉज द स्काई इज फॉलिंग, दौड़ो आकाश गिर रहा है, तो हमें सी लिखना है। सिक्स्थ हु रन्स बिहाइंड द फ्राइटनेड रैबिट, यानी डरे हुए खरगोश के पीछे कौन दौड़ता है, तो हमें द फॉक्स, तो हमें ए लिखना है, लोमड़ी दौड़ता है। सातवा शशकः कृत निवसति, तो वनम यानी खरगोश कहाँ रहता है, वनम तो जंगल में रहता है, तो हमें यहाँ ए लिखना है। एट क धावती, कौन दौड़ता है, तो यहाँ पर शशकः यानी खरगोश दौड़ता है, तो हमें यहाँ ए लिखना है। नाइन्थ वृक्षात किम पतति, तो पर्णम वृक्ष में से क्या गिरता है, तो हमें यहाँ पर पत्ता गिरता है, तो हमें सी लिखना है। दसवा शशक शयनम करोति, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट ऐसा होगा बी रैबिट इज स्लीपिंग, तो हमें बी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, जिसमें आपको यहाँ पे काउंट्स में से एक यहाँ पर लिखना है ब्लैंक्स में। पहला है वने एकः शशकः निवसति, दूसरा शशकः भीतः भवति, तीसरा शृंगालः आगच्छति, चौथा शशकः किमपि न वदति और पांचवा सिंह हसति, तो आपको यहाँ से ढूंढकर ब्लैंक्स भरने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, यानी आपको इस पार्ट में से कुछ ब्लैंक्स बनाए गए हैं वह आपको भरने हैं। पहला है ब्लैंक्स पतति, तो पर्णम पतति, दूसरा शृंगालः धावति, तीसरा शृंगालः भ्रातः धावतु आकाश पतति, चौथा सिंह वदति आकाशः पतति वा कृत पतति, पांचवा शशकः वृष समीपम आगच्छति। क्वेश्चन नंबर 4 मैच द कॉलम्स ए एंड बी करेक्टली टू मेक कंप्लीट सेंटेंस, कॉलम ए और कॉलम बी में से आपको सेंटेंस बनाने हैं, जिसमें पहला है शशकः शयनम करोति, वानर भ्रातः धावतु, कृत पतति आकाशः, इस तरह से वाक्य बनेगा, और चौथा है शृंगालः अनु धावति, तो यह वाक्य बनेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस इन इंग्लिश, आपको इन प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है इंग्लिश में। पहला वेयर डिड द रैबिट लिव, यानी आंसर द रैबिट लिव इन ए फॉरेस्ट, यानी खरगोश कहाँ रहता है, तो खरगोश जंगल में रहता है। दूसरा व्हाई डज द रैबिट गेट स्केयर्ड, तो आंसर लिखेंगे ए लिव फॉल्स द रैबिट गेट स्केयर्ड, यानी खरगोश किस लिए डर गया था, तो खरगोश एक पत्ते के गिर जाने से डर गया था। तीसरा व्हाट डज द रैबिट से टू द फॉक्स, तो आंसर द रैबिट सेज ब्रदर फॉक्स रन द स्काई इज फॉलिंग, खरगोश लोमड़ी से क्या कहता है, तो खरगोश है वह लोमड़ी से कहता है कि लोमड़ी भाई दौड़ो आकाश गिर रहा है। चौथा विच एनिमल्स रन बिहाइंड द रैबिट, यानी खरगोश के पीछे कौन कौन दौड़ते हैं, तो हमें इसका आंसर लिखना है फॉक्स एंड मंकी आर रन बिहाइंड द रैबिट्स, यानी लोमड़ी और बंदर है वह खरगोश के पीछे दौड़ते हैं। पांचवा What does the lion say on hearing the rabbit story? Answer: The lion say on hearing the rabbit story, where is the sky falling? यानी खरगोश की बात सुनकर सिंह क्या बोलता है? खरगोश की बात सुनकर सिंह बोलता है कि
कहाँ आकाश गिर रहा है। सिक्स, वेयर डज द रेबिट कम। आंसर, द रेबिट इज कमिंग नियर द ट्री, यानी खरगोश कहाँ पर आता है, तो खरगोश है वह एक पेड़ के पास आता है। सेवेंथ, वॉट डज द रेबिट डू इन द एंड, यानी आंसर, द रेबिट इज रनिंग अवे, यानी अंत में खरगोश है वह क्या करता है, तो अंत में है वह खरगोश है वह भाग जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सिक्स, आंसर इच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस इन संस्कृत, यानी आपको इस प्रश्न का उत्तर संस्कृत में एक ही वाक्य में देना है। पहला, क भीत भवती, तो आंसर शशक भीत भवती, कौन डरता है, तो खरगोश है वह डरा हुआ है। दूसरा, शशक श्रृंगाल किम वदती, शशक श्रृंगाल वदती, श्रृंगाल भ्रात धावतु आकाश पदती, खरगोश है वह लोमड़ी से क्या कहता है, खरगोश लोमड़ी से कहता है कि लोमड़ी भाई दौड़ो आकाश गिर रहा है। तीसरा, शशक वानरम किम वदती, शशक वानरम वदती, वानर भ्रात धावतु आकाश पतती, यानी खरगोश है वह बंदर से क्या कहता है, खरगोश बंदर से कहता है कि बंदर भाई दौड़ो आकाश गिर रहा है। चौथा, सी कम अनुगच्छति, तो है लिखेंगे इसका कि सिंह है शशकस्य अनुगच्छति। पांचवा है, शशक कृत आगच्छति, तो शशक वृष समीपम आगच्छति। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेवन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू संस्कृत, इन वाक्यों को आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। पहला है, द रैबिट इज रनिंग, तो शशक धावती। दूसरा है, ए लीफ इन फॉलिंग, तो पर्णम पतती। तीसरा, ए मंकी इज कमिंग, वानर आगच्छति। चौथा, द रैबिट सेज, शशक वदती। पांचवा, द स्काई इज फॉलिंग, आकाश पतती। सिक्स, ब्रदर फॉक्स रन द स्काई इज फॉलिंग, श्रृंगाल भ्रात धावतु आकाश पतती। सातवा, द मंकी ऑल्सो इज रनिंग बिहाइंड, वानर अपि अनुधावती। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर एट, फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट, यानी आपको एक संस्कृत का शब्द दिया गया है, उसकी इंग्लिश में दो आपको अर्थ दिए गए हैं, तो उसमें से आपको यहाँ पर ढूंढकर लिखना है कि सही कौन सा है। पहला है भीत, तो उसको कहते हैं फ्राइटनेड। दूसरा है शशक यानी रैबिट। तीसरा है कृत यानी वेयर। चौथा है धावतु यानी रन। पांचवा है पलायनम, तो यानी टू एस्केप। इसके बाद है छठा वदती यानी स्पीकिंग। सातवा है भ्रात यानी ब्रदर। आठवा है शयनम यानी स्लीपिंग। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नाइन, फाइंड एंड राइट द ट्रू सेनोनम्स ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत वर्ड्स, यानी आपको इसमें से इसका समानार्थी शब्द ढूंढना है, वो भी संस्कृत के समानार्थी शब्द, जिसमें पहला है पर्णम। पर्णम को संस्कृत में पल्लवम और पत्रम कहते हैं, तो यह दो लिखेंगे। क्या है, दूसरा है वानर, तो वानर को संस्कृत में कपि भी कहते हैं। तीसरा है आकाश, तो नभ। चौथा है वृष, तो तरु। पांचवा है सिंह, तो मृगराज। छठा है वदती, तो कथ्यति। सातवा है वनम, तो अरण्यम। आठवा है समीपम, तो सकाशम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर टेन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, यानी इस सेंटेंस का आपको पूरा इंग्लिश में अनुवाद करना है, यानी ट्रांसलेट करना है। पहला, शशक वदती, द रैबिट सेज, वानर भ्रात धावतु आकाश शपतती, ब्रदर मंकी रन द स्काई इज फॉलिंग, भीतर शशक धावती, द फ्राइटनेट रैबिट रन्स, श्रृंगाल अनुधावती, द फॉक्स इज रनिंग बिहाइंड, वानर अपि अनुधावती, द मंकी ऑल्सो इज रनिंग बिहाइंड, सी आगच्छति, ए लायन इज कमिंग देयर। इसके बाद है दूसरा, शशक वृष समीपम आगच्छति, द रैबिट इज कमिंग नियर द ट्री, सी वदती, द लायन सेज, कृत पतती आकाश, वेयर इज द स्काई फॉलिंग, शशक किमपि न वदति, द रैबिट डज नॉट से एनीथिंग, सी हसति, द लायन लाफ्स, शशक पलायनम करोति, द रैबिट इज रनिंग अवे। तो यहाँ पर आपका लेसन नंबर टू के वर्कबुक के सभी क्वेश्चंस आंसर पूरे होते हैं।